अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माया अली और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम एंकर नंबर वन। जी तो व्यूअर्स, आपने पिछली एपिसोड्स में देखा कि बहुत से कंटेस्टेंट्स को रेड कार्ड मिल गया और बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको हमारे जजेस ने कहा कि वो घर जाके अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, यानी कि उनकी एंट्री होनी थी वाइल्ड कार्ड के थ्रू। अब आप जो मेरे आसपास जितने लोग यानी कि कंटेस्टेंट देख रहे हैं, ये वही हैं जिनकी आज एंट्री होगी वाइल्ड कार्ड के थ्रू। अब इनकी प्रिपरेशन कैसी है कैसी नहीं, ये तो अब जजेस के सामने जाके ही पता चलेगा। और आज एक और सरप्राइज़ भी है, लेकिन ये आपको आगे जाके ही पता चलेगा। अगर मैंने सब बातें आपको यहाँ पे बता दें तो बाकी प्रोग्राम के सरप्राइज क्या रह जाएगा। अपने प्रोग्राम को अब यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अब्दुल्ला अभी सर आगे आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है सर आपको हमारे टॉप 13 कंटेस्टेंट ऐसे एक साथ? अब ये कंटेस्टेंट नहीं रहे, अब तो ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ द माफिया नाउ। अब्दुल्ला, जो आप इतनी स्ट्रिक्ट जजमेंट करते थे, ये सब मुझे कहते थे बाहर आके कि अब्दुल्ला बहुत स्ट्रिक्ट जज हैं, तो अब क्या कहेंगे? अब हमारे साथ हैं तो मैं इनसे पूछूंगा कि वाकई कहते थे या आप मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं। अलबत्ता आज जो है ये, मैं नीचे जब गया तो इनको बोर्डरूम में बैठ के देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी टीम का कुछ और लोग भी हिस्सा बने हैं। और आज पहली दफ़ा है कि इन लोगों को उतनी टेंशन नहीं होगी जितनी नेचुरली इनको हर दफ़ा इस फ्लोर पे होती रही है, क्योंकि आज इनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा। आज तो ये हो चुके हैं सेलेक्ट होके, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ और लोग हैं जो इनके सामने में शामिल करने हैं और आज उनकी किस्मत का फैसला होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे जजेस ने हमारे कंटेस्टेंट्स को क्या कहा कि वो अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अभी बहुत से कंटेस्टेंट जो बाहर बैठे वेट कर रहे हैं कि कब वो जजेस के सामने आएंगे और अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो अब जजेस से परमिशन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब जो कंटेस्टेंट बाहर बैठे हैं उनको अंदर बुलाते हैं। जी जजेस, मेरे ख्याल से इससे पहले कि उनको बुलाया जाए, आज का थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो हम अपने साथियों से शेयर कर लेते हैं। जी जरूर सर। कि हम उनको अभी फाइल्स देने जा रहे हैं जो आप उन्हें देंगी, उसके अंदर एक मार्क चार्ट है। आज ये हमारी मदद कर रहे होंगे और मार्किंग्स करेंगे उनकी परफॉर्मेंस पर जो लोग यहाँ आके अंदर परफॉर्म करेंगे। ये एक नया अंग और पहलू भी है इसका, और दूसरा ये कि इनकी बाकायदा पार्टिसिपेशन की हमने सोचा कि हम जो यहाँ वाइल्ड कार्ड पे जो लोग एंट्री मारेंगे इस प्रोग्राम में, एंट्री होगी उनकी, उनकी मार्किंग हम इन लोगों से कराएं जो कि अब हमारे साथ ही हैं, और इन्हें ये भी पता चले कि कितना मुश्किल काम है ये। जो समझते थे ना जजेस बैठ के सामने आराम से कर लेते हैं जो उनका दिल चाहता है, वो आज इन्हें अंदाजा होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। फिर आज इनकी भी जजमेंट स्टार्ट करते हैं। इनकी जजमेंट भी आज हम देखेंगे कि इनके हवाले से इनमें क्या सलाहियत है, कितनी सलाहियत है कि लोगों को जज कर सकें, और आज हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन किसका दोस्त है। तो माया, पहले तो आप ये करें कि ये फाइल्स जो है ये इन लोगों को जरा मुनासिब समझ दे दें, और कलम भी साथ दे दीजिए ताकि कलम भी हमारा ही इस्तेमाल करें। मैंने सोचा कि मैं भी सर एक पकड़ लूं फाइल ताकि मुझे भी कोई चांस मिल ही जाए जजमेंट का। आज आपने अपनी जजमेंट के शौक पूरे करने, मुझे लगता है। बिल्कुल सर, मुझे भी तो चांस मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको कौन जज करेगा? बस सर आप जज हो चुकी हुई हैं, इसीलिए आप यहाँ खड़ी नहीं हैं। थैंक यू सर। सर तो फिर आज बुलाएं? हाँ, मेरे ख्याल से अब आगाज करना चाहिए। थैंक यू सर।
जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे आए कंटेस्टेंट थोड़े से टेंशन में हैं, और कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन मेरे साथ मौजूद जो लड़कियाँ हैं, इनसे पूछते हैं कि कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आज, और ये टॉप 15 यानी कि हमारी फैमिली में शामिल होती हैं या फिर वापस चली जाएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिशा। रिशा, रिशा मुझे बताओ कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम बस करंट अफेयर्स पर जो था वो एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन थैंक्स टू जजेस कि उन्होंने एक दफ़ा फिर चांस दिया। तो आज कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन है, आज लगता है कि ले जाओगी रेड कार्ड? रेड जो है करंट अफेयर जो है एक बहुत वास्ट सिनेरियो, जनरल नॉलेज एक बहुत वास्ट सिनेरियो, तो ये अभी तक फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि जजेस किस एस्पेक्ट को टच करते हैं, और कॉन्फिडेंस तो शुक्र है अल्लाह का बहुत है, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा है इस टाइम। मतलब लगता है 50-50 है? कम्पिटेंट है, सारे कम्पिटेंट हैं, यहाँ पर जस्ट एक पॉइंट से रह गए हैं, नाउ सी हु इज़ द लकी वन। चले हम लोग भी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना मुझे बताओ कि आपको मैं शुरू दिन से देखती आ रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, और जब रेड कार्ड की बारी आई तो आपका कॉन्फिडेंस में हमें थोड़ा सा लूज़ हो गया, तो क्या ऐसा रीज़न था? जी थोड़ा सा इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रेसफुल था, और दूसरा करंट अफेयर्स पे जाके आई वॉज़ नॉट वेरी गुड, सो उसी वजह से जजेस ने वाइल्ड कार्ड पे रखा। तो बेसिकली आप क्या बनना चाहती हैं? आप न्यूज़ एंकर बनना चाहती हैं या मतलब एंटरटेनमेंट शोज़ को होस्ट करना चाहती हैं? प्रेफरेबली एंटरटेनमेंट शोज़। यस। तो आज कितने परसेंट लगता है? सब देखिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह जो मिस्टेक्स लास्ट टाइम थी उनको मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी, और इंशाल्लाह विन करके जाऊँगी इंशाल्लाह। चलें जी आवेज, आप लोगों ने देखा कि हमारी जो फीमेल कंटेस्टेंट हैं वो यही कह रही हैं कि फिंगर क्रॉस है उनकी, और आगे देखते हैं कि आगे चल के उनको रेड कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। अभी और भी यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं जो दुआएं भी कर रहे हैं और अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक ताकि उनको अपनी तैयारी का ज़्यादा मौका मिल जाए। तो